देलवाड़ा रोड स्थित जागृत नगर से फैसिलिटी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर उठे मामले में द्वितीय पक्ष ने मामले को झूठा बताते हुए आयुक्त से मुलाकात की है। गुरुवार को कॉलोनी के ही कुछ क्षेत्रवासियों द्वारा समीप ही रहने वाले अरविंद पाठक पर जागृत नगर में स्थित फैसिलिटी भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते पाठक अन्य क्षेत्रवासियों को साथ नगर परिषद पहुंचे और आयुक्त को झूठा मामला होने की बात कहते हुए यथास्थिति से अवगत करवाया। पाठक ने कहा कि जिन लोगों ने आरोप लगाया है उल्टा वही निजी स्वार्थ के चलते उन पर आरोप लगाकर जमीन को हड़पना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कॉलोनी के सहयोग से ही 2011 से सामूहिक रूप से पार्क के रूप में भूमि का सदुपयोग किया जा रहा है। तारबंदी के सवाल पर उन्होंने सर्वहित में उक्त कदम की बात कहते हुए सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है उनका चरित्र पहले ही संदेह में है, ऐसे में उनके द्वारा ना तो कोई अतिक्रमण किया गया है और ना ही निजी स्वार्थ के चलते जमीन को हड़पने का मानस है। उन्होंने कहा कि आज भी उक्त जमीन कॉलोनी वासियों के हित में पार्क के रूप में काम आती है और सभी के सहयोग से ही छोटे बड़े आयोजन उक्त स्थल पर किए जाते रहे हैं। निजी स्तर पर उक्त भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि गोद लेकर उक्त भूमि की देखभाल कर सभी के सहयोग से सर्वहित में फैसिलिटी भूमि का सदुपयोग किया जा रहा है। गौरतलब है कि गुरुवार को जागृति नगर विकास समिति के कुछ क्षेत्रवासियों ने अरविंद पाठक पर निजी स्वार्थ के रूप में फैसिलिटी भूमि का उपयोग करने को लेकर आयुक्त को शिकायत देकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग उठाई थी, जिसके बाद शुक्रवार को अरविंद पाठक आयुक्त से उक्त मामले में मिले और झूठा मामला बताते हुए अपनी बात रख कर जाँच की बात कही। आयुक्त ने भी उक्त मामले में जाँच की बात कहकर ही निर्णय लेने का हवाला दिया। जो जागृत नगर फैसिलिटी के बारे में जो शिकायतकर्ता गोविंद अग्रवाल जो कि अपने को एडवोकेट बताते हैं, एम उनके भाई आलोक गर्ग और संजय गर्ग और हरभजन यादव जो कि रास गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कुछ लोगों के साथ झूठी शिकायत दी थी कि फैसिलिटी की जमीन पे अतिक्रमण किया हुआ है, जबकि सत्य यह है कि वो फैसिलिटी बाकायदा नगर परिषद से कानूनन गोद लेके डेवलप की गई है सन 2011 से और सभी जागृत नगर निवासी विकास समिति की तरफ से उसको डेवलप किया गया है। तो ये जो झूठे आरोप लगाए थे उसी संदर्भ में आज आयुक्त साहब से मिले थे और उन्होंने इसकी पूरी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। तो हम लोग ये मतलब कहना चाहते हैं कि इसमें कोई गैरकानूनी, सब लोग मिलजुल के फेस्टिवल मनाते हैं, यहाँ पे तीज त्यौहार मनाते हैं, ये सब आरोप जो है जानबूझ के पर्सनल अपने इंटरेस्ट के लिए लोग लगा रहे हैं ताकि ये लोग इस पर कब्जा कर सकें। तो आयुक्त साहब को ये सब बता दिया गया है और वो इसकी जांच कर रहे हैं।